हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशी क्रिएशन। मैं अंशिता आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ड्राइंग जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ चार्ट पेपर। मतलब चार्ट पेपर के ऊपर मैं आपको इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड एक ड्राइंग करके दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली जो ये वीडियो है ये मैं किसी के लिए बना रही हूँ। मतलब इसमें जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ड्राइंग, वो मुझे किसी के लिए बनाना है, बच्चे के लिए। तो जो ये ड्राइंग है ये 1st to 8th class के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। यहाँ पे मैं जो ड्राइंग कर रही हूँ उसमें मैं इंडिपेंडेंस डे जो है, मतलब अपने इंडिया का जो फ्लैग है वो दिखा रही हूँ। कुछ स्कूल है, स्कूल के बच्चे हैं, ये सब मैं इसमें दिखाने वाली हूँ। और ये वीडियो जो है ये एक्चुअली मैं इस समय जो ड्राइंग कर रही हूँ वो एक बच्चे के लिए कर रही हूँ। वो 6th standard का बच्चा है, उसका स्कूल में ये उसको प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो उनके स्कूल में कोई फंक्शन है जिसके लिए मुझे ये बनाना है, तो उसी के लिए मैं ये बना रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो भी टिप्स हैं आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत काम का आएगा, काम यूज़ का होगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम इनको अवॉइड करते हैं बट हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे मैंने जो सामान यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये वाइट चार्ट पेपर, एक्रेलिक कलर, ब्रश, पेंसिल, मार्कर, स्केल, इरेजर। और लिया है मैंने यहाँ पे एक वेस्ट कपड़ा जो इसको मैं कलरिंग के लिए यूज करने वाली हूँ। और लिया है मैंने यहाँ पे वाटर। तो सबसे पहले हम इस चार्ट पेपर की करेंगे आउटलाइन, और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये स्केल। और 2 cm का मैं चारों कोनों पे पॉइंट्स लगाऊंगी और उसकी करेंगे हम आउटलाइन। इस तरीके से मैंने सभी में ये पॉइंट्स बना लिए हैं और अब हम इनको एक आउटलाइन कर देंगे। और यहाँ पे मैंने ये आउटलाइन आप देख सकते हैं ये बना ली है और अब हम इस पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ ट्री। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आउटलाइन दूंगी। तो यहाँ पे मेरा ट्री भी बन गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये पूरा यहाँ पे इंडिपेंडेंस का ये ड्रॉ कर दिया है। अब इसका जो मेन है, अब इसके मैं यहाँ पे फिनिशिंग करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज बनाई है। यहाँ पे मैंने ये स्टूडेंट बना रखे हैं, फ्लैग बनाया है, 2 यहाँ पे स्टूडेंट बनाए हैं, 1 यहाँ पे टीचर बनाया है जो फ्लैग होस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे बनाया है स्कूल। तो यहाँ पे जो फिनिशिंग है, फिनिशिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे जितनी भी मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई है इसमें जो भी चीजें डबल लाइन करके हैं या जिसको मैंने दोबारा बनाया, तो उन सबको मैं डबल लाइंस को रब करूंगी और एक फाइनल लाइन दूंगी। जैसे ये है, ये फ्लैग है, तो इसमें मैं फाइनल टच इसको दूंगी कुछ इस तरीके से। मतलब मुझे एक डार्क लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। यहाँ पे जो ये ट्री बनाया है अब मैं इसको फाइनल टच दूंगी।
जो यहाँ पे डबल लाइन है उनको मैं रब कर दूंगी। यहाँ पर मैंने इस चार्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कलरिंग। तो अब मैं इसमें कलर करने जा रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल टच जो है वो मैंने इसको दे दिया है। मेन आउटलाइन जो होती है वो सब कर दी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कलर है वो स्कूल में करने वाली हूँ और स्कूल के लिए मैंने यहाँ पे जो कलर चॉइस करे हैं वो यहाँ पे स्काई ब्लू, पिंक एंड ब्लैक कलर लिया है, तो इन्हीं को मैं इसमें करूंगी। कलरिंग में सबसे जो मेन पार्ट होता है वो है कलर चॉइस करना। तो अगर आपने सही कलर चॉइस करे हैं तो आपका जो ड्राइंग है, जो आर्ट है, क्राफ्ट है, वो बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसमें कलर कर लेते हैं स्कूल में। जब भी हम कलर करते हैं तो सबसे पहले हमें उस कलर की आउटलाइन कर लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा आपका जो कलर है वो बाहर नहीं फैलेगा। तो जैसे अभी मैं इसमें कर रही हूँ ब्लू कलर। तो सबसे पहले आप इसकी आउटलाइन कर लीजिए। अब बहुत हल्के हाथों से हमें कलर करना चाहिए। ये देखिए आउटलाइन करने से कलर जो है वो और जगह नहीं फैला है। यहाँ पे मैंने दो कलर कर लिए हैं स्कूल में और अब जो ये डोर है इनमें मेरे को करना है ब्लैक कलर। तो यहाँ पे जो थर्ड टिप है वो ये है कि सबसे पहले हमें लाइट कलर करनी चाहिए। अगर वो थोड़े बहुत बाहर फैल जाए तो जब हम उसमें डार्क कलर करें तो वो कवर हो जाए। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे पिंक कलर करा, फिर उसके बाद ब्लू कलर, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्लैक कलर। जो यहाँ पे जो भी चीज से थोड़ा सा यहाँ पे ये फैल गया है तो अब मैं इसमें ब्लैक कलर जब करूंगी तो ये कवर हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें लाइट कलर करने चाहिए। अब मैं कलर करने जा रही हूँ ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी ड्रेस में, और उसके लिए मैंने यहाँ पे जो कलर चॉइस किया है वो मैंने लिया है यहाँ पे वॉयलेट कलर और लेमन येल्लो कलर। तो यहाँ पे जो ये शर्ट है इसमें मैं कलर कर रही हूँ यहाँ पे येलो। मैंने सभी में येलो कलर कर दिया है और अब जो ये बॉटम है, पैंट और स्कर्ट, इसमें मैं वॉयलेट कलर करने जा रही हूँ। अब मैं कलर करने जा रही हूँ ट्री में और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये ग्रीन कलर और येलो कलर। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ग्रीन कलर लिया है। और अब लिया है मैंने यहाँ पे येलो कलर।
यहाँ पर मैंने सभी में कलर कर लिया है और जो थोड़ा थोड़ा है जैसे इसमें ट्री में मैंने नीचे नहीं करा है, इसको मैं बाद में करने वाली हूँ। और जो अब लास्ट फोर्थ टिप है वो ये है कि जब आपका कलर हो जाए तब आपको एक ब्लैक मार्कर से, जो पतले वाला मार्कर आता है, या फिर आप जेल पेन यूज कर सकते हैं, उससे आपको आउटलाइन करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे करी है आप देख सकते हैं, और इस वाले में मैंने नहीं करी है तो ये ऐसा लग रहा है और ये आउटलाइन करने के बाद ये अच्छे से दिख रहा है। तो इसी तरीके से मैं इनमें आउटलाइन करूंगी। यहाँ पर जो ट्री है उसमें कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड ऑरेंज कलर लिया है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों को मिक्स करके मैंने ये कलर बनाया है और इसी को मैं इसमें कर रही हूँ। फिफ्थ जो टिप है वो ये है कि जब आपका पूरा चार्ट, पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद आपको जो ये आउटलाइन आपने सबसे स्टार्टिंग में करी थी चार्ट के ऊपर, उसको आप डार्क कर दीजिए ताकि आपका जो मेन आपने जो बनाया है वो अच्छे से हाईलाइट हो जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट करने के लिए मैंने डार्क मार्कर से इसको कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट है और ये डार्क है, तो ये ही डिफरेंस है। अगर आप इसको ऐसे टाइम देंगे तो ये हाईलाइट अच्छे से नहीं हो पाएगा, अगर आप ये डार्क लाइन कर देंगे तो ये अच्छे से हाईलाइट होगा और दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट में सबसे मैं यहाँ पे जो ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का मैंने एक कलर पेपर की मैंने कटिंग करी है और इसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। सिक्स्थ जो टिप्स है वो ये है कि आप जो भी चीज जिस भी ओकेशन पे या फेस्टिवल पे बना रहे हैं उसके लिए जो ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्ट मत लिखिए, आप एक पेपर कटिंग पे उसको अलग से लिखिए। एक तो आपका जो चार्ट पेपर है या आपका क्राफ्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लगाया है तो ये इसकी शो और अच्छी हो जा रही है। अगर आप इसको सिंपली ऐसे लिखते तो ये इतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरा चार्ट बिल्कुल कंप्लीट है इंडिपेंडेंस डे के लिए। आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ये ड्राइंग कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।